गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन महादेव फैमिली। आज हम जा रहे हैं कुल्लू, लेकिन बाहर हो रही है बारिश, ये आप देख सकते हैं। अभी हम लोग पहुंचे डडौर के पास। मैंने न्यूज़ पढ़ी थी पंडोह के पास रास्ता क्लोज है NH-21, और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। क्यों हुई बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था और JCB वगैरह लगी हुई थी। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम हुआ है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे ब्यास नदी, पहले भी हमने दिखाई थी लेकिन उस वक्त पानी बहुत कम था। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का बहाव इतना तेज हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर आया हुआ है। और रास्ता आप इस वक्त देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, चीकड़ से भरा हुआ, क्योंकि यहाँ पर हुआ था स्लाइड जो साफ कर दिया हुआ है। हेलो मॉन्की दोस्तों, इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं 5 मील जगह का नाम है। मैं स्पेशली यहाँ पर गाड़ी रुकवा कर खड़ी हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी ब्यास नदी। और आवाज़ इवन आप सुन सकते हैं कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। अभी तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं आया हुआ है, फिर भी कंपैरिजन टू समर यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ है। और जब ये बह रही है ब्यास नदी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। और पीछे का आप व्यू देख सकते हैं, क्लाउड्स यहाँ पर बने हुए हैं और कभी भी मंडी ये है वहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की। तो कल की जो न्यूज़ थी, ये सुना था न्यूज़ में कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है जिस वजह से रोड बंद है। अब आगे देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है या खुला है। आगे जा रही है एक बड़ा सा ट्रक BRO का है, और होप फॉर द बेस्ट की क्योंकि अगर BRO का ट्रक जा रहा है दैट मीन्स इनको तो हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है, तो हम भी डेस्टिनेशन पर आज पहुंच जाएंगे। पास यहाँ पर एक चीज जो आज अलग सी दिख रही है वो है जो पानी है वो अलग अलग कलर में है, दो कलर में है, एक डार्क ब्राउन में है और एक लाइट ब्राउन में है। गेहुआ कलर इसमें आया हुआ है, तो ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा। जो एक जो गेहुआ कलर है ब्राउन सा वो ब्यास नदी है, और जो डार्क पानी है वो पहले ही पंडोह डैम का है और बहुत ही खूबसूरत है। सामने आप देख रहे हैं वहाँ पर मंदिर है और पार्क भी वहाँ पर बना हुआ है। काफ़ी छोटा सा मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो डैम है इसके बीच में भी एक मंदिर था जो डूब गया है। और ये ऊंची ऊंची आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं वहाँ पर, ये जो लोकल इसको फॉग बोलते हैं, धुंध यहाँ पर आई हुई है। दोस्तों इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं जोगनी माता के मंदिर में, और ये मंदिर तो ऊपर है लेकिन यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, नीचे की तरफ हम लोग आए हुए हैं। और काफ़ी डरावनी सी जगह मुझे लग रही है, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ ये लेंटर डाला हुआ है, एक कमरा जैसा बनाया हुआ है, और नीचे ब्यास नदी बह रही है और बिल्कुल स्टीप है एकदम से, ज़रा सा पैर फिसला नहीं और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर। यहाँ सामने ये जो मोड़ है आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ
जो ट्रक वगैरह जा रहे हैं, तो बहुत ही खतरनाक मोड है। और मैक्सिमम टाइम यहाँ से स्लाइड्स भी होती है, ये स्लाइड जोन भी है, बहुत डेंजरस है। ये पहाड़ी को काट करके बनाया हुआ है ये NH-21, तो अभी इसी की रेनोवेशन यहाँ से हुई थी, नहीं तो ये टूट चुका था काफ़ी टाइम पहले। यहाँ पर झूला पुल जो है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर फ्लाईओवर बन चुका है। और दोस्तों अभी तो हम यहाँ नहीं रुके क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई थी, तो इस वजह से हम लोग वहाँ रुक नहीं पाए। लेकिन जब भी हम वापस होंगे तो यहाँ पर रुक करके ये ज़रूर आपको दिखाएंगे। हमारे सोल्जर है, ये डरते नहीं है, कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे सड़क साइड पे। दोस्तों हम लोगों ने हनुगी माता मंदिर के पास उतरे थे और मंदिर में हमने माथा टेका, और हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना भी मना है और गाड़ी खड़ी करना भी मना है क्योंकि यहाँ ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार ही आते हैं, बरसात के दिनों में ये जो वाटरफॉल है काफ़ी एक्टिव रहता है और समर में पानी कम होने की वजह से यहाँ पर जो है ये झरना ख़त्म हो जाता है क्योंकि बरसात में पहाड़ों पे बारिश होती है, जिस वजह से ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। और मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर स्पेशली फ़ोटो खींचने के लिए रुके हुए हैं। ये हैं यहाँ के नज़ारे, अद्भुत रोड, और देखिए गाड़ियाँ अभी भी कंटिन्यू आ रही हैं, टूरिस्ट फिर भी कम लग रहा है मेरे को। आज पहले बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे थोड़े दिन पहले, अभी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन फिर भी चल ही रहे हैं, मतलब कोई ना कोई जा ही रहा है। देखिए किस तरह की यहाँ पे चट्टानें सड़क की तरफ झुकी हुई और उसके बीच में से हम लोग हुई है, काट के सड़क बनाई है ये। अब यहाँ नीचे देखना खाली गाटर ही फंसा हुआ है, वो सामने देखो, वो देखो यहाँ से दिखाना था ये, और कुछ भी नहीं है इसके। और ये पानी बिल्कुल यहाँ ऊपर रोड साइड पे आ जाता है, बिल्कुल रोड के ऊपर पानी आ जाता है और यहाँ से स्लाइड होता है, तो इसलिए कभी भी इस पोर्शन में नहीं रुकना है, इस पोर्शन में खासकर कभी भी नहीं रुकना है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया सबसे डेंजर पॉइंट यहाँ का, कुल्लू जाती हुआ रास्ते में जो आता है, तो इसके आगे तो रास्ता तकरीबन ठीक ही है मेरे ख्याल से। ये हनोगी से आगे एक पॉइंट है, यहाँ सामने की तरफ है गांव, वो देखो एक लेडी आपको नजर आ रही होगी, वो उसमें बैठे हुए, तो ये शायद इधर की तरफ आएंगे तो हम आपको दिखाते हैं, ये शायद रस्सी खींचने का वेट कर रहे थे पीछे, अभी ये यहाँ पे रस्सी को खींच रही है और सामने से एक लेडी आती हुई झूले से। देखिए ये बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उन्हें शायद कि कोई आएगा तो खींचेगा, तो कोई बात नहीं वेरी गुड। इधर देखिए जोर से खींच भाई, जोर से हेलो भी कर दो यहाँ से तो इनको क्रॉस करना पड़ता है ब्यास नदी को क्योंकि रोड नहीं है, और मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ यहाँ पहुँचने में। अब ये पहुँच गए यहाँ पर, देखिए रस्सी खींच करके हमने इनको क्रॉस करवाई ब्यास नदी। देख सकते हैं आप, ये है धतूरा और धतूरे के बीच है, ये है फ्लावर, यहाँ पर प्लांट लगा हुआ है धतूरे का, बहुत ही बढ़िया। और ये मैं चढ़ाऊंगी शिव जी के मंदिर में, आजकल सावन का महीना चला हुआ है। ये है फ्लाईओवर के नीचे की सड़क जो तकरीबन तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और शायद कुछ ही दिनों में ये फ्लाईओवर भी तैयार हो जाएगा। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. और यहाँ का व्यू कितना अच्छा है ना, यहाँ बारिश भी नहीं है, वो तो
उस साइड बारिश हो रही थी, यहाँ पे बारिश नहीं है। यहाँ बारिश हो के खत्म हो गई। तो ये है ऑट। पहले यहाँ पर काफी बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन जब ये फोर लेन जब बनी तो ये सीमित होकर के रह गया। यहाँ पर आपको लोकल वैरायटी की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी जो लोगों ने बेचने के लिए रखी हुई है। अब लिमिटेड शॉप्स हैं तो सामान भी उसी तरह से यहाँ पर मिलेगा। पहले जो है सड़क नीचे की तरफ से जाती थी, जो बीच में है नगवाई, छोटी सी मार्केट है स्टैंड वहाँ पर। लेकिन अब ये जो फ्लाईओवर बन गया, फ्लाईओवर बनने की वजह से हम बाहर से निकल गए जिन्होंने कुल्लू जाना है। तो ये बना है फ्लाईओवर, कुल्लू का पहला फ्लाईओवर है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये है झीड़ी, यही पॉइंट है जहाँ पर क्या कहते हैं इसको, वाटर राफ्टिंग वाले रुकते हैं, लेकिन आजकल बंद है क्योंकि बरसात है। पानी ऊपर तक आया हुआ, देखो। रुक जाएंगे भुंतर, ये देखिए। तो हमने लेफ्ट साइड ले लिया, एयरपोर्ट भी यहीं पर ही है। ये देखो, ये टर्न इधर को और ये टर्न कुल्लू के लिए फोर लेन। कुल्लू जाना है, मनाली जाना है तो आप राइट साइड टर्न लेंगे और बहुत ही शॉर्ट आपको हो जाएगा कुल्लू वगैरह के लिए। दोनों को किया फोन भी आ रहे हैं हम लोग। हाँ, मैंने बोला मैं आ रही हूँ स्कूटी पे, ऐसे बोला मैंने। उसने बोला कुछ नहीं, मैंने कहा क्या लाना है, बोला पनीर ले आना दीवार। मैंने कहा ठीक है, मैं नीचे से ही लेती हूँ। वन टू गाय भी आगे, ये भी नांटी की है, दूध वाली गाय है ये। बजौरा, खूबसूरत बजौरा। यहाँ है महादेव जी का मंदिर, बहुत ही सुंदर और प्राचीन। सही है, ये है इधर। हम रोड साइड से ऊपर जा रहे हैं, दोनों के नानी के घर। आप देख सकते हैं आसपास कितने सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। ये मुझे सबसे सुंदर घर लगता है, ये वाला, ये जो बना हुआ है बहुत ही प्यारा। इसमें मॉडर्निटी भी है और साथ में ट्रेडिशनल भी है, बहुत ही खूबसूरत ये घर। और अभी रास्ता यहाँ पर घास ही घास उगी हुई है, तो यहाँ से जा रहे हैं हम रास्ते से होकर के। ये है मेरी सबसे छोटी मासी का घर, अभी तैयार नहीं हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। हम पहुँच के नानी के घर में, नोनो की नानी के घर में, मेरी मम्मी के घर में। मम्मी आइए। जुले जुले ठीक ठाक? ठीक ठाक। सौंफ खा रहे हैं ना? या ये नोमो है हमारी। नमस्ते जी, क्या हाल है? तो नोनो पता नहीं कहाँ चला गया। नोनो कहाँ है? फर्स्ट फर्स्ट ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये आ गया हमारा पहलवान। कितना वेट हो गया कम? इस वक्त हम लोग नानी के जो लेंटर है, घर का लेंटर, उसके ऊपर खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नानी खड़ी हुई है और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रही है। इस तरफ है नोनो और मासी, ये देखिए नोनो और मासी। और आसपास का व्यू एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, देखिए स्लो मोशन में आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये नानी हेलो कर रही है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत हुआ पड़ा है यहाँ। बारिश जब हम पहुँचे थे तो बारिश ख़त्म हो चुकी थी और सब तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो चुकी है। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप देखिए आसपास के व्यू को भी, और वीडियो के अंदर हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज दिखाई हुई है। तो आप देखते रहिए महादेव फैमिली, और नानी बोलेगी सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, आगे बढ़िए। तो दोस्तों नानी बोल रही है कि सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, और लाइक करना ना भूलिए, कमेंट ज़रूर करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।